मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा, जहां सत्र को स्थगित कर दिया गया। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। 16वीं विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र। बजट सत्र का पहला दिन स्थगित। बजट सत्र में विपक्ष का जमकर हंगामा। विधानसभा सत्र के पहले दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम नेता विधानसभा सदन में मौजूद रहे। सत्र की शुरुआत में राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा कि ये विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पूरे विश्व में चर्चा हुई। पीएम मोदी के नेतृत्व में रामराज्य और विकसित भारत के संकल्प को साकार होते देखना निश्चित ही अविस्मरणीय अनुभव है। चित्रकूट ओरछा में रामपथ निर्माण के लिए सरकार ने काम शुरू कर दिया है। प्रदेश भर में जहां जहां राम और कृष्ण के पथ पड़े उन्हें तीर्थ क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। केंद्र सरकार के सहयोग से उज्जैन अत्याधुनिक एयरपोर्ट की स्थापना करने का लक्ष्य है, जिससे बाबा महाकाल की नगरी में आने वाले श्रद्धालुओं को हवाई यात्रा की सुविधा मिलेगी। श्री केदारनाथ धाम की तर्ज पर इंदौर से उज्जैन एवं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग तथा जबलपुर से चित्रकूट तथा ग्वालियर से ओरछा एवं पीताम्बरा पीठ के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रारंभ की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कुनो राष्ट्रीय उद्यान में प्रारंभ हुई महत्वाकांक्षी चित्ता परियोजना सफल रही है। वर्ष 2024 के प्रथम माह में यहाँ 7 चित्ता नामों को जन्म देने की खुशखबर मिली है। मेरी सरकार ने प्रदेश की जनता की जिंदगी बदलने का ईश्वर की आराधना माना है। आइए कर्तव्य काल में कर्तव्य पथ पर बढ़ते हुए हम सभी विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित मध्य प्रदेश को गढ़ने का संकल्प करें। एक ऐसा मध्य प्रदेश जो सर्व भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया और वसुधैव कुटुम्बकम् के मंत्र के साथ विकास सुशासन एवं जन कल्याण में देश का नंबर वन राज्य बनेगा। ऐसा मध्य प्रदेश। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि राज्यपाल से अभिभाषण में झूठ बुलवाया गया। संकल्प पत्र के किए गए वादों को लेकर अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं हुआ। देखिए, सरकार से इस पे स्थगन के माध्यम से बात मांग की जाएगी कि इस पे चर्चा की जाए। और मैं तो कहता हूँ स्थगन तो ठीक है, घटना घट गई, अपनी जगह चर्चा की बात है। महत्वपूर्ण ये है कि इतने सालों से बगैर लाइसेंस के जो कलेक्टर ने निरस्त कर दिया और स्टे के आधार पर कैसे चल रहा था, स्टे कौन सा था, तारीख का था कि लाइसेंस को स्टे था, ये भी एक जांच का विषय है। क्या वहाँ पर कभी सरकार ने ये देखा कि जितना आपको भंडारण करने के था उससे ज़्यादा भंडारण दिखा, जिस प्रकार से ब्लास्ट हुआ। निश्चित तौर से सरकार के कुछ नेता, कुछ मंत्री इसके अंदर शामिल थे जिनके आश्रय में ये हो रहा था। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा, जहां सत्र को स्थगित कर दिया गया। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। 16वीं विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।